बाप दादा द्वारा पहले तो दृष्टि प्राप्त की, और ये दृष्टि भले देखा तो आपने स्थूल नेत्रों द्वारा, लेकिन इन नेत्रों में भी बाप की दृष्टि पड़ने से ये दृष्टि भी परिवर्तन हो जाती, सभी को सारी सभा में कौन दिखाई देते हैं, सभी नंबर वार ब्रह्मांड दिखाई देती है, थोड़ा बहुत बीच बीच में मिक्स तो होता है, लेकिन सभी के बुद्धि में बाप दादा ही देख यही सोचते हमारा बाबा आ गया, सभी के बुद्धि में मेरा बाबा आ गया, हर एक नैनो में यही खुशी की झलक समा गई है, मेरा बाबा आ गया, सबके नैनों में कौन मेरा बाबा,
नैनो में भी बाबा दिखाई देता, बुद्धि में भी बाबा ही दिखाई देता। इसीलिए आप सबके आंखों में प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, समा गए। बाप भी बच्चों को उसी रूप में देखते हैं, मेरे बच्चे, और बच्चे भी उसी रूप से देख रहे हैं, मेरा बाबा। सभी के दिल में क्या दिखाई दे रहा है? मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा, मेरा कहने में कितनी खुशी होती है। मेरा बाबा भले कितना भी कहें, ये लंदन के है, ये इंडिया के है, कितना भी कहें, लेकिन सबसे पहले क्या आता? मेरा बाबा आ गया। बाबा और बच्चे का मिलन हो रहा है। ये मिलन भी विचित्र मिलन है। इस स्थूल में कोई किसी एज का है, कोई किसकी एज है, लेकिन कौन है तो शॉर्ट में कहेंगे बाप और बच्चे बैठे। चाहे सौ वाला हो, चाहे डेढ़ सौ वाला हो, लेकिन क्या कहेंगे, सब बाबा के बच्चे बैठे हो। ज
जब यहाँ बैठते हो आके तो परिचय कह देंगे, भले किस भी रूप में आए हो लेकिन यहाँ आने से किस रूप में बैठते हो स्टूडेंट रूप में, बाबा के आगे स्टूडेंट के रूप में बैठे, बाबा कितने वर्ल्ड्स के चारों तरफ के कोई न कोई आए हुए, भले कोई किस देश की कोई किस देश की है, लेकिन यहाँ बैठे हुए क्या फील कर रहे हो, गार्डली स्टूडेंट है, और टीचर भी कौन है, स्वयं भगवान, हमारे लिए विशेष मिलने आए, भगवान हमसे मिलने आए या हम भगवान से मिलने आए, जो भी आए पहचानते हैं तो क्या कहेंगे, बाबा के पास जा रहे, बाबा के पास जा रहे, और हरे के शिकल में मिलने की भावना कितनी दिखाई देती, सभी के शिकल में बाप और बच्चों के भावना की सूरत, सभी के शिकल में कितना प्यार है, वाह बाबा वाह, सबके दिल यही गीत गा रहे, और कितना प्यार कितने बाप और बच्चे के रूप में मिलन, आज की सभा में देखो तो और कोई संबंध नहीं, बाप और बच्चा, चाहे बुजुर्ग हो
चाहे कोई भी संबंध में हो, लेकिन है सब स्टूडेंट के रूप में। सभी के बुद्धि में स्टूडेंट की भावना समय हुई, सभी की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट यही है। अनेक देश, अनेक आत्माएं, लेकिन इस भ्रमण जीवन के फर्क में सभी स्टूडेंट के रूप में है, चाहे बुजुर्ग है चाहे छोटा बच्चा भी है, वो तो है ही बच्चा, लेकिन फिर भी स्टडी करने वाले। सब स्टूडेंट बैठे हैं, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा हमको अशरीरी कैसे रहो, ये कितनी अच्छी बातें सुना रहे। सभी के मन में इस समय अपना रूप भी कौन सा दिखाई देता है, स्टूडेंट, चाहे बुजुर्ग है चाहे छोटे, काम भी वही कर रहे हैं, पढ़ाई। और इस पढ़ाई में शक्ति कितनी बड़ी हुई, है कितने साधारण, लेकिन बन पढ़ाई द्वारा क्या बन रहे। कोई से भी पूछेंगे आप क्या पढ़ने आए हो, तो सब कहेंगे हम मनुष्य से देवता बन रही है। और कितने प्यार से पढ़ाई पढ़ते, हर एक ऐसे रुचि से पढ़ रहे हैं, जो अगर दूसरी बात आ भी गई
तो मुख्य बात जो चल रही है वो तो मिस हो जाएंगी ना। लेकिन हमने देखा है मेजॉरिटी मिक्स तो होता है सब में, लेकिन आए सब पढ़ने के लिए स्टूडेंट रूप में, और सब देखा गया है कि जब स्टडी करने के रूप में आते हैं तो इनके शिकल से ही लगता है ये कोई बहुत पराई में बिजी, और इनों के पराने वाला कौन, वो अगर ध्यान में रहे तो मेरा पार हो गया। परमात्मा पर आने वाला है ये कभी सुना है क्या कि परमात्मा पर आता भी है? लेकिन इस पराई में मेजॉरिटी सब पास हो जाती, क्यों? यहाँ का जो टीचर है ऐसे विधि से पढ़ाता है जो सुना वो जैसे छपाई हो रही है। भूलनहार नहीं है, सब खुशी खुशी से पढ़ रहे हैं। अभी भी तो देख रहे हैं ना, बहुत थोड़े हैं जो कोई न कोई सरकमटेंस अनुसार आए पढ़ने के लिए है। लेकिन कहाँ पढ़ाई के बजे है
और कोई सब्जेक्ट में भी अटेंशन ज्यादा है, सबको विशेष जो होमवर्क दिया गया है उसके तरफ अटेंशन दिया हुआ है और अब भी वो ही याद कर रहे हैं। पराई में प्यार है लेकिन लास्ट टाइम तक भी पराई में अटेंशन है, ऐसे स्टूडेंट हाल में पौने से भी ज्यादा ये बाप दादा देख इस क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट की विशेषता है। और कमाल ये है कि पढ़ाई की तरफ अटेंशन देने वाले तो आप कौन हो? वो तो हर एक खुद जानते है, लेकिन देखा गया तो अभी के स्टूडेंट जो हाजिर है उन्होंने मेजॉरिटी पढ़ने के शौकीन है, ये देख करके बाप को भी अच्छा लग रहा है। पढ़ाई की तरफ अटेंशन अच्छे ये रिजल्ट अच्छी है, अभी इसको आगे बढ़ाना है।
पर आई मैं शौक बराना पढ़ने में अटेंशन देने वाले अटेंशन देने वाले अच्छे हैं। तो जैसे आज के रिजल्ट में पढ़ाई वाले ज्यादा अब शौक से अपने पढ़ाई के शौक से पढ़ रहे संख्या भी अधिक है तो देखा गया है पढ़ाई पढ़ाने वाला वो भी रुचि वाले हैं और टीचर भी पढ़ाने के शौकीन है वो भी हमें समझते हैं कि स्टूडेंट ज्यादा कारण के फेल हो या कम मार्क्स लेवे ये भी कम है इसलिए पढ़ाई का फल लिए है अब पढ़ाई का फल लेने वाले हैं इसलिए अभी तक बैठे हैं नहीं तो आधा क्लास से चला जाता है रुचि की बात होती है पढ़ाई में भी रुचि हो ना तो छोड़ना बहुत बुरा लगता है लेकिन देखा गया फिर भी रिजल्ट में ये जो क्लास आए है इसमें रिजल्ट अनुसार रुचि है पढ़ाई ताली बजाओ पढ़ाई के तरफ अटेंशन है
इसकी बधाई। क्योंकि है तो स्टूडेंट, स्टूडेंट और पढ़ाई में अटेंशन नहीं हो ये नहीं शोभता, इसीलिए कहा ये रिजल्ट अच्छा है कि है भी स्टूडेंट ज्यादा है, पढ़ाई की तरफ अटेंशन देने वाले तो उनकी रिजल्ट जितने हैं उसके अनुसार रिजल्ट अच्छी है। इसीलिए इस क्लास को फिर भी कहेंगे पास है। और सभी की शिकलियाँ देखो, मुस्कुराने लग गई। हमेशा जो भी करो टाइम तो देते हो ना, चाहे घंटा हो चाहे आधा घंटा हो, लेकिन टाइम तो देते हो ना, तो टाइम का वैल्यू है। इसीलिए आपकी नेचर है, जो काम करते होंगे ना वो पूरा लगा के ही करते होंगे। तो अभी का क्लास जो है वो अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और टीचर को कौन से स्टूडेंट अच्छे लगते हैं? आप जैसे भले कहेंगे आज ही हम रेगुलर हुए हैं, लेकिन हुए तो सही ना, रेगुलर जी लिस्ट में आए तो सही, एक दिन भी आए, लेकिन ये नहीं सीखना तो एक दिन भी चलेगा। वो तो देखते हैं तो खुश तो होते हैं सभी, ज्यादा रिजल्ट देख करके खुश होते हैं तो भाई हम भी पास में आ गए। इससे सभी समझ ही गए होंगे, बाकी अटेंशन देना हमारा फर्ज। क्यों कि देखो टीचर भी मेहनत तो करते हैं, तो टीचर्स या स्टूडेंट दोनों को ज्यादा पास होने की मुबारक हो, मुबारक। कभी भी
कोई भी पेपर हो उसमें फेल नहीं होना। ये जो आपको सबक सिखाया है वो ये सिखाया है, आज आप पास हो गए हो तो शिकलियाँ देखो, और जो फेल हुए हैं वो जैसे कांध नीचे गए नेचुरल हो रहा है। कितना चाहे भी ना तो भी नीचे हो जाते। तो सदा जब भी पेपर होने बैठो तो सदा ये दिन याद रखना, तो पास होना ही है। टोटल रिजल्ट भी देखी गई तो हिसाब से भी अच्छी रिजल्ट। कभी भी जब भी बैठे पेपर देने तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि फेल कभी नहीं होना। फेल होना माना फील करने वाले, सारा साल आपको ये याद रहता रहेगा मैं फेल हुआ फेल हुआ। इसलिए कायदे अनुसार तो बदली हो जाएंगी, लेकिन ये संकल्प कभी भी नहीं रखना तो नहीं मुझे भी जो हुआ सो अच्छा, बस कभी फेल कभी पास, हमेशा पास थोड़ी हूँ। लेकिन ये सीखा तो सबको मिली, तो जो पास हुए इसमें वो कितने हैं और कितने निकले वो हाथ उठाओ जो पास हुए। तो भी हाथ उठाने वाले वो कम है, सभा के हिसाब से कम है। हमेश जब भी पढ़ाई पढ़ते है ना उसमें ये भी लक्ष्य हो मुझे पास हो के ही दिखाना। अभी तक जो भी पढ़े हैं आप लोग पहले से लेकर अब तक जितना भी दर्जे पढ़े हैं उसमें समझो अभी आठवीं का चल रहा है, तो आप कितने पास हुए हैं। पास कितने होने चाहिए,
चलो फुल पास नहीं तो थोड़ा कम एक दो मार्क्स कम हुआ तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा फेल अगर मार्क्स में हुआ तो ठीक नहीं। इसलिए अभी एम क्या रखेंगे, फेल हुआ तो अभी एक ही बात है क्या? आप में से समझते हैं पास हुआ तो ये राइट है या ये भी चलता है? लक्ष्य ये रखो कि एक भी क्लास मिस नहीं। क्योंकि स्टूडेंट की सदा एम यही रहे तो मैं पास हो जाऊं। कोशिश करूंगा नहीं, हो जाऊं तो आज सभी ने मेहनत की, क्योंकि कितने परसेंट मार हाथ उठाया, हाथ तो उठाया लेकिन पास किस नंबर तक आए वो भी तो देखना है ना। पास तो हो गए लेकिन पास ना के बराबर ही हुए एक दो नंबर से, या ठीक पास जिसको कहते हैं वो हुए। तो हमेशा ये ध्यान रखो किसी भी बात में पास माना पास, फेल का नंबर आवे ये अच्छा है। जरूर कोई ऐसे आदत होंगी जिसमें बिजी रहते, फिर भी कितने लोग बैठे हैं यहाँ, जो पास हुए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छे, ये आगे आगे ही बैठे हैं पास वाले, वो समझते हैं ना हाथ उठवाएंगे। अच्छा, जब पास में हाथ उठाते हैं तो नशा कितना चढ़ता है।
बोलो। बाबा सेवा का टर्न महाराष्ट्र जोन का है, महाराष्ट्र आंध्र बॉम्बे 15,000 आए हैं और बाकी सब मिलाकर के 22,000 आए हैं। सभी महाराष्ट्र बॉम्बे आंध्र वाले उठेंगे। महाराष्ट्र अच्छा, तो बाप दादा भी मुबारक रख देते क्यों? कि इम्तिहान दिया भी यहाँ है और यहाँ के पास भी ज्यादा, तो जो पास हुए है उन्हों को बहुत बहुत बधाई। मेहनत मेहनत की या लक है तो हो गए, मेहनत की है, जिसने मेहनत की है वो हाथ उठाओ। अच्छा, मेहनत कम नहीं की है। मेहनत कम नहीं की है जितनी रिजल्ट है। लेकिन फिर भी इतने भी निकले हैं तो ये भी बाप दादा को अच्छा लग रहा है। आधे से ज्यादा भी सभी महाराष्ट्र वाले बैठेंगे। बाबा डबल विदेशी भाई बहने आए हैं, 550 देशों से, 550 तुमने 550 550 भाई बहने आए हैं 50 देशों से। सभी डबल विदेशी भाई बहने उठेंगे। अच्छा है, फिर भी इतने तो निकले हैं। पूछा जाए तो फिर भी किया है, अच्छा है। अच्छा जी, इन पास वालों के लिए ताली बजाओ। क्योंकि रिजल्ट मिलने से ये प्रभाव पड़ता है, तो ये स्टूडेंट कैसे थे? पढ़ने की तरफ रुचि थी या और किस बात में रुचि थी? फिर भी अच्छा है। जो देखो ये दो आए हैं, अलग अलग है या एक ही है? दोनों अलग अलग है घर के, या एक ही घर में दो है? क्या है, एक ही घर में
दो पास है, है श्रवण ना कर। हाँ जी बोल रहे हैं बाबा। अच्छा है, दोनों ही पास हो गए, ये तो बहुत अच्छा। अच्छा, तो आप सब की तरफ से बापीनों को मुबारक दे रहे, इतने तो बोलेंगे नहीं, इसलिए यहाँ सभा के बीच में दे रहे। ठीक है, अच्छा है, रिजल्ट मिलने से उमंग आता है, तो इतनी कम रिजल्ट क्यों हुआ, हर एक समझेगा ये थोड़ा स्टडी और करते तो हमारा नंबर लेने में थोड़ा और आगे बढ़ जाता। और कर सकते हैं, थोड़े अलबे ले रहे हैं, हो जाएगा हो जाएंगे, हो जाएगा नहीं होना ही है। सभी डबल विदेशी भाई बहने बैठेंगे। बाबा तीनों स्थानों पर मधुबन ज्ञान सरोवर शांतिवन में फूलों का श्रृंगार कलकत्ता वालों ने किया है। 600 भाई बहने आए हैं कलकत्ता से, बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है। सभी कलकत्ता वाले खड़े हो जाएंगे। फूलों का श्रृंगार अच्छा है, कलकत्ते वाले पीछे बहुत है। लेकिन इससे ये सीखो कि हम भी लाइन में उठें, इसी लाइन में ऐसे ही सीखते जाएंगे। अच्छा है, जिन्होंने हाथ उठाया उनको इन सब जो भी बैठे हैं उनके तरफ से 100 गुना ज्यादा दो। अच्छा, सब उमंग उत्साह में है, तो दूसरे बारी फिर नंबर और आगे होंगे। एक बारी किया है ना, अभी उमंग आ गया, हम भी हो सकते हैं तो दोबारा फिर जीत जाएंगे। तो कोशिश करना नंबर और आगे हो। सभी कलकत्ता वाले बैठेंगे। बाबा पहली बार बहुत आए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो खड़े हो जाएंगे। बाबा मिलन के लिए जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो खड़े हो जाएंगे। आधा क्लास तो है। आधा आधा तो है। अभी इतनी सभा में
इतने थोरों ने उठाया। अगर थोड़ा और ज्यादा हो जाते तो कितना अच्छा होता। हम तो कहेंगे ये बहुत उमंग उत्साह होना चाहिए, ये नंबर लेना कोई रवाजी बात नहीं है। नाम तो हुआ ना, सारे क्लास उनके मित्र संबंधी कितने खुश हुए। तो वो भी अगर गिनती करे तो कितने होंगे, उनके माँ बाप चाचा चाची नजदीक वाले तो खुश होंगे। लेकिन अच्छा है जो आपने नंबर तो ले लिया। सभी बैठेंगे। बाबा यार प्यार देना है सभी को। फिर भी नंबर में तो आ गए ना, ये भी अच्छा है ना, से अच्छा है। अच्छा, अभी हम भी जो पहले नंबर वाले आए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक, इतने सारी सभा को मुबारक।